सिक्स चैप्टर वन कंप्यूटर एन इंट्रोडक्शन एंड एवोल्यूशन यानी कि कंप्यूटर का परिचय और उसका विकास वॉट इज कंप्यूटर कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच एक्सेप्ट डेटा इंस्ट्रक्शन एज इनपुट प्रोसेस्ड एंड स्टोर द डेटा एंड गिव्स द रिज़ल्ट एज आउटपुट यानि कि कंप्यूटर क्या है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को एक्सेप्ट करता है किसी भी इंस्ट्रक्शन के रूप में इनपुट के माध्यम से लेता है उसे प्रोसेस करता है स्टोर करता है और उसके रिज़ल्ट को आउटपुट के रूप में देता है कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है टेक इनपुट आफ्टर प्रोसेसिंग

Here example, for example, Sumit, 1983 A 165.39, any type of image, any type of audio, video, that is the called data. Data is a raw material related to the facts related to the human being, just like the name, mobile number, photo, एंड एनी टाइप ऑफ ऑडियो वीडियो डेटा या रिकॉर्ड दैट इज कॉल्ड डेटा नेक्स्ट इज द इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज कलेक्श कलेक्शन ऑफ डेटा इज नोन एज इंफॉर्मेशन यानि कि ऑर्गेनाइजेशन यानी कि कोई भी ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा यानी कि जब डेटा को हम कलेक्ट कर लेते हैं किसी विशेष उद्देश्य के लिए दैट इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन यानी कि सूचनाओं का संग्रह ही क्या होता है इन्फॉर्मेशन होता है तो डेटा का कलेक्शन ही इंफॉर्मेशन होता है दैट मीन्स वॉट वी गेट आफ्टर प्रोसेसिंग डेटा मीनिंगफुल डेटा यानी कि जो इन्फॉर्मेशन होती है वह क्या होती है मीनिंगफुल होती है जिसका कुछ अर्थ निकलता है एग्जाम्पल ऑफ सुमित Mobile number, or yeah, data birth, that is meaningful data. Organized collection of data called information, and raw material called data. Next, computer system. What is the computer system? Look on figure. That is monitor, CPU, sound, keyboard, and mouse. मॉनिटर इज कॉल्ड आउटपुट डिवाइस सीपीयू कॉल्ड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट स्पीकर इज द आउटपुट डिवाइस कीबोर्ड इनपुट डिवाइस माउस इज द इनपुट एंड पॉइंटिंग डिवाइस ए कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज टू परफॉर्म वेरियस ऑफ ऑपरेशन यानी कि कंप्यूटर क्या है कंप्यूटर क्या है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या करता है वेरियस ऑपरेशन को परफॉर्म करता है दिस ग्रुप ऑफ डिवाइस कैन बी डिवाइडेड इंटू थ्री बेसिक पार्ट यानी कि कंप्यूटर की ये जो डिवाइस है यह थ्री पार्ट्स में डिवाइड होता है फर्स्ट इज द इनपुट सेकेंड इज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट थर्ड इज आउटपुट सी ऑन द फिगर आउटपुट मीन्स मोनिटर आउटपुट मीन्स स्पीकर सीपी यू मीन्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड इनपुट इज द कीबोर्ड एंड माउस दैट इज द इनपुट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड आउटपुट यूनिट अ डिवाइस नेक्स्ट इज द सम मेजर अप्लीकेशन ऑफ द कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर के विशेष जो हैं वह अप्लीकेशन क्या है अप्लीकेशन क्या है फर्स्ट इज द यूज इन द बिजनेस यानी कि कंप्यूटर मेनली यूज यानी कि जो प्रयोग है वह कंप्यूटर का कहाँ कहाँ होता है बिजनेस मेडिसिन एंड हेल्थ केयर कम्युनिकेशन एजुकेशन साइंस रिसर्च एंड इंजीनियरिंग लॉ इनफोर्समेंट बाई पुलिस म्यूजिक मिलिट्री गवर्नमेंट थिएटर फिल्म एंड टेलीविज़न कंप्यूटर्स एट होम मैन्युफैक्चरिंग। यानी कि हम जान गए कि कंप्यूटर का प्रयोग बिज़नेस में मेडिसिन में कम्युनिकेशन में एजुकेशन में साइंस एंड रिसर्च में लॉ में म्यूज़िक में मिलिट्री में गवर्नमेंट में थिएटर में फ़िल्म में टेलीविज़न कंप्यूटर एट होम और मैनुफैक्चरिंग में कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है इसके अलावा और भी फील्ड हैं जहाँ पर कंप्यूटर डे बाई डे विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहा है आप जानते हैं नेक्स्ट एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ था इसके विषय में हम पढ़ेंगे ओल्ड ओल्ड इज इट वॉज द डिफिकल्ट फॉर बिग कैलकुलेशन यानी कि uh, जब प्रारंभिक समय था तो उसमें uh, बड़े कैलकुलेशन को नहीं किया जा सकता था अर्लियर ह्यूमन वॉज कैलकुलेट बाई द पीस ऑफ स्टोन दैट लाइन दैट लाइन इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी वन अर्यर ह्यूमन वॉज कैलकुलेट बाई द पीस ऑफ स्टोन एंड ड्रॉ द लाइन ऐट द वॉल यानी कि पहले के जो लोग थे वह लंबे कैलकुलेशन को नहीं कर पाते थे और वह टुकड़ों में जैसे पीस ऑफ स्टोन हम देख रहे हैं यहाँ स्टोन के माध्यम से पीस ऑफ स्टोन के माध्यम से कैलकुलेट करते थे या सम लाइन को वॉल के ऊपर खींच के उसके द्वारा ये कैलकुलेशन करते थे डेसिमल नंबर सिस्टम वाज डेवलप यानी कि डेसिमल नंबर सिस्टम क्या हुआ उसके बाद डेवलप हुआ डेवलपमेंट वाज ऑन द बेसिस ऑफ होल नंबर यानी कि ये संपूर्ण नंबर के ऊपर क्या हुआ डेसिमल नंबर अप्लाई हुआ कैलकुलेट एंड कंप्यूटर इन्वेंट फॉर द कैलकुलेशन इन डेवलपमेंट प्रोसेस यानी कि यही वो माध्यम था कि स्टोन और लाइन के माध्यम से धीरे धीरे डेसिमल नंबर कैलकुलेट हुए और यही कैलकुलेशन धीरे धीरे क्या हुआ आगे प्रोसेस में आया नेक्स्ट टॉपिक इज द एबाकस एबाकस इज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन यानी कि हम यहाँ पर ध्यान ध्यान देंगे कि मेनी सेंचुरी एगो वेन स्टार्टेड द काउंटिंग द नंबर ही थ्रू

एबाकस फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस इज डेवलप इन द चाइना अबाउट थ्री थाउजेंड ईर्स एगो यानी कि ये तीन हजार सालों पहले चाइना में एबाकस को डेवलप किया गया या बनाया गया यानी कि एबाकस क्या था वर्ल्ड फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस यानी कि दुनिया की पहली वो डिवाइस थी हम देख सकते हैं कि इसी प्रकार का बना हुआ था फिगर में इट वॉज मेड ऑफ वूडेन फ्रेम विथ कॉलम ऑफ वायर यानी कि इसमें एक कॉलम बना था इसमें क्या थे छोटे छोटे रॉड थे और बीच में क्या थे स्टोन डाले गए थे तो इसके माध्यम से हम इन पेबल्स के माध्यम से क्या करते थे कैलकुलेशन करते, करते थे ये वर्ल्ड फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस दैट टेम इज द एबाकस डेवलप बाय द चाइना यानी कि ये चाइना में डेवलप हुआ नेक्स्ट इज द हैविंग बीम्स ऑन देम यानी कि जो ये डिवीजन देख रहे हैं इसके अंदर छोटे छोटे बीम्स से वुडन फ्रेम इन डिवाइड इंटू टू पार्ट्स यानी कि ये जो वुडन फ्रेम होता था हम पिछले फिगर में देखेंगे ये दो भागों में डिवाइड होता था फर्स्ट कार्ड इज द फर्स्ट कार्ड इज द हेवन सेकेंड इज द कार्ड अर्थ तो यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट पार्ट इज द कार्ड हेवन और सेकेंड पार्ट इज द कार्ड अर्थ यानी कि जो ऊपर वाला हिस्सा होता था इस ऊपर वाले हिस्से को हेवन बोलते थे और नीचे वाले हिस्से को अर्थ बोलते थे इस डिवाइस में ये वुडन फ्रेम का बना होता है जैसे आप देख रहे हैं इट इज यूज फॉर द कैलकुलेशन एंड काउंटिंग द पर्पज विद द हेल्प ऑफ द बीन्स यानी कि ये जो बीन्स लगे हुए हैं इनकी के माध्यम से हम आ, किसी भी नंबर को कैलकुलेट करते थे नेक्स्ट इज द पास्कलीन ए फ्रेंच मैथमेटिश मैथमेटिशियन ब्लेज पास्कल मेड द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर यानी कि एबाकस के बाद पास्कलीन जो मशीन बनी उसे किसने बनाया था मैथमेटिकन थे ब्लेज पास्कल्स यानी कि ब्लेज प्लास्कल ने क्या किया कि एक मशीन बनाया जिसका नाम क्या था पास्कलीन ये बेस ऑन किसके था एबाकस के In, पास्कलीन, डेवलप इन पास्कलीन डेवलपिन फोर्टी टू डेवलप बाई द ब्लेज पासकल द अदर नेम ऑफ दिस मशीन इज एडिंग मशीन यानी कि पास कार्ड एडिंग मशीन लर्न इसे हम लर्न करेंगे पासक्लीन मशीन इज कार्ड एडिंग मशीन डेवलप बाई द ब्लेज पासकल पासकल मशीन नेम इज दास्कलीन इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम एंड अदर कॉम्पिटिशन दिस मशीन कैन बी एडिशन एंड सब्टशन यानी कि यह जो एडिंग मशीन थी नेम ऑफ एडिंग मशीन दैट परफॉर्म द एडिशन एंड सब्टशन यानी कि यह एडिशन और सबटेक्शन को क्या करती थी बस करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था जोड़ने और घटाने का यह काम करता था मशीन बेस्ड ऑन द वॉच एंड ओडोमीटर ओडोमीटर और वॉच के अनुसार इसे बनाया गया था नेक्स्ट डिफरेंट इंजन इंग्लिश मैथमेटिशियन चार्ल्स बेबिस डेवलप्ड द फर्स्ट ऑटोमेटिक कैलकुलेटिंग मशीन इन द 1822 यानी कि मैथमेटिकन के एक और मैथमेटिकन थे जिनका नाम था चार्ल्स बेबिस डेवलप द फर्स्ट ऑटोमेटिक कैलकुलेटिंग मशीन यानी कि पहले आ, हमारा आया एबाकस और एबाकस के बाद क्या था पास्कलिन यानी कि पास्कलिन क्या थी एक एडिंग मशीन थी उसके बाद चार्ल्स बेबिस ने एक मशीन को बनाया जिसका नाम उन्होंने दिया डिफरेंट इंजन यानी कि इन्होंने कब डेवलप किया था 1822 में इन्होंने डेवलप किया था दिस मशीन इज कॉल्ड डिफरेंट इंजन यानी कि यह भी मशीन एडिंग मशीन की तरह थी यह भी एड और कैलकुलेशन करती थी यानी कि एड एंड सेप्टशन करती थी और लेकिन ये मशीन क्या थी ऑटोमेटिकली काम करती थी नेक्स्ट इज द एनाल्टिकल इंजन इंग्लिश मैथमेटिशियन चार्ल्स बेबिज मेड द एनालिटिकल इंजन इन द 1833 यानी कि ब्लेज पास्कल के बाद जो है चार्ल्स बेबिज ने दूसरी मशीन बनाया उसका नाम था एनालिटिकल इंजन 1833 में यानी कि ये 1822 में बनी थी ये 1833 में इन्होंने दूसरा मॉडल तैयार किया दिस वाज द रिवीड एंड एडवास फ्रॉम द डिफरेंट इंजन यानी कि यह डिफरेंट इंजन से एडवांस था और उससे काफ़ी बदल के इन्होंने बनाया था दिस मशीन वॉज द सिमिलर टू मॉडर्न एज ऑफ कंप्यूटर यानी कि यह जो डिवाइस इन्होंने डेवलप किया यह क्या था आज के मॉडर्न कंप्यूटर की तरह था मॉडर्न कंप्यूटर क्या करता है एडिंग करता है सब टेक्सिंग करता है यानी कि कैलकुलेशन करता है और डेटा को स्टोर करता है मॉडर्न कंप्यूटर परफॉर्म द कैलकुलेशन एंड स्टोर द डेटा सेम एनालॉडिकल इंजन क्या करता था कि कैलकुलेशन करता था और डेटा को स्टोर करता था सो चार्ल्स बेबेज मशीन इज कॉल्ड मॉडर्न कंप्यूटर यानी कि जो चार्ल्स बेबेज की जो मशीन थी वही आज मॉडर्न कंप्यूटर का क्या है मॉडल कहलाता है तो इसीलिए इज फादर ऑफ कंप्यूटर ऑफ कंप्यूटर यानी कि यही वो मॉडल है जिससे आज का मॉडर्न कंप्यूटर तैयार हुआ है लेडी एडा अगस्ता लेडी एडा अगस्ता स्टोर द इंस्ट्रक्शन इन एनोलॉटिकल इंजन सो इट इज द फर्स्ट प्रोग्रामर इन द वर्ल्ड यानी कि ये पहली लेडी प्रोग्रामर थी जिन्होंने एनोलॉटिकल इंजन के अंदर इंस्ट्रक्शन यानी कि प्रोग्रामिंग को किया था दिस इज द फर्स्ट लेडी या फर्स्ट प्रोग्रामर ऑफ वर्ल्ड यानी कि पूरे संसार की ये पहली वो लेडी थी जिन्होंने क्या किया था पहली बार किसी मशीन के अंदर प्रोग्रामिंग की थी नेक्स्ट इज द होलम होलेरिथ सेंस टेबलर यानी कि डॉक्टर हरमन होलेरिथ मेड द कैलकुलेटिंग डिवाइस द नेम ऑफ दिस डिवाइस इज द दें टेबलेटिंग पंच कार्ड इज द यूज टू रिप्रेजेंट द डेटा इन द मशीन यानी कि हरमन होलेरिथ ने एक मशीन को निजात किया था जिसका नाम उन्होंने लिखा था सेंसस टेबलेटिंग मशीन यह मशीन पंच कार्ड के माध्यम से डेटा को कैलकुलेट करती थी और डेटा को बनाने का काम करती थी दिस मशीन रन बाय द इलेक्ट्रिसिटी यानी कि पहली बार इनके मशीन के अंदर क्या किया गया कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का प्रयोग किया गया यानी कि यह भी मशीन एनोलाजिकल की तरह ही काम करती थी लेकिन इसमें क्या थी इलेक्ट्रॉनिक यानी कि बिजली से चलने वाली यह पहली मशीन बनी नाम क्या था सेंसर्स टैबलेटिंग यानी डेवलप बाय द हरमन होलेरिथ यानी कि हरमन होलेरित ने क्या किया था पहली बार इलेक्ट्रॉनिक एलकेन एंड मार्क फर्स्ट साइंटिस्ट हावर्ड एकेन एंड टॉप फोर इंजीनियर ऑफ आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन यानी कि आईबीएम कंपनी में टॉप फोर इंजीनियर जो थे वो कौन थे साइंटिस्ट हॉवर्ड एकेन डेवलप द मशीन इन नाइनटीन थर्टी नाइन यानि की नाइनटीन थर्टी नाइन में इन्होंने एक मशीन को डेवलप किया दैट मशीन इज काल्ड मार्क फर्स्ट यानी कि हु डेवलप द मार्क फर्स्ट टू लर्न दिस नेम ऑफ साइंटिस्ट एलकेन वॉज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल कंप्यूटर इन द वर्ल्ड यानी कि मार्क फर्स्ट वॉज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक मशीन इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल कंप्यूटर इन द वर्ल्ड यानि कि पूरे संसार में इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल कंप्यूटर को जिसने पहली बार बनाया वो कौन थे मार्क एल्किन थे वर्ल्ड दिस कंप्यूटर कैन बी मल्टीप्लाई इन सिक्स मल्टीप्लाई इन सिक्स सेकेंड एंड डिवाइड इन टू 12 सेकेंड यानी कि इनकी मशीन 6 सेकेंड में किसी भी मल्टीप्लाई को कैलकुलेट करती थी और डिवीजन को 12 सेकेंड के अंदर यह कैलकुलेट करती थी यह किसने बनाया था मार्क फर्स्ट ने यह बनाया था तो हम ध्यान रखेंगे मार्क फर्स्ट जो मशीन थी इसमें कैलकुलेशन 6 सेकेंड में और 12 सेकेंड में कंप्लीट होता था नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रिक इंजीनियर सर जेपी स्कॉट एंड जॉन मेकेले मेड ए कंप्यूटर इन नाइनटीन फोर्टी सिक्स यानी कि नाइनटीन फोर्टी सिक्स में जेपी स्कॉट एंड जॉन मैकेन ने एक कंप्यूटर एक को बनाया जिनका नाम उन्होंने रखा इनियक तो इनियकम्प्यूटर डेवलप बाय द जेपी स्कॉट एंड जॉन मेकेल नाइनटीन फोर्टी सिक्स द नेम ऑफ फर्स्ट कंप्यूटर इज इनियक यानी कि पहला जो कंप्यूटर बना उसका नाम क्या था इनियक इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फुल फॉर्म ऑफ इनियक इनियक वॉज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इन द वर्ल्ड यानी कि यह पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बना पूरे संसार में तो इस प्रकार से कंप्यूटर के विकास धीरे धीरे होते गए नेक्स्ट इज द कंप्यूटर जनरेशन व्हाट इज द कंप्यूटर जनरेशन जनरेशन इन द कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी इज ए चेंज इनटू टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर इज बीइंग यूज देयर आर फाइव कंप्यूटर जनरेशंस नोन टिल डेट फॉलोइंग आर द मेन फाइव जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर के विकास में कंप्यूटर को पांच भागों में उसको वर्गीकृत किया गया है यानी कि कंप्यूटर का जो जनरेशन है वर्गीकरण है वह पांच भागों में होता है तो पांच भागों में कंप्यूटर के किस प्रकार के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की को बनाए गए और कौन कौन से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को यूज़ किया गया ये हम जनरेशन के दौरान पढ़ते हैं जनरेशन माने होता है कि डेवलपमेंट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इन द स्टेप बाय स्टेप फर्स्ट जनरेशन इज द पीरियड ऑफ फर्स्ट जनरेशन वाज़ 1946 टू 1958 कंप्यूटर ऑफ फर्स्ट जनरेशन यूज़ द वैक्यूम ट्यूब यानी कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की जो टाइम पीरियड है वह क्या है नाइनटीन टू नाइनटीन है यह कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के रूप में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग करती थी एंड स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक ड्रम यूज़ फॉर द मेमोरी यानी कि मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग क्या करती थी मेमोरी के रूप में इस्तेमाल करती है यहाँ पर हम याद करने वाली बात है फर्स्ट जनरेशन इज़ द स्टार्टेड फ्रॉम द नाइनटीन फोर्टी सिक्स टू नाइनटीन फिफ्टी एट फर्स्ट जनरेशन यूज़ द वैक्यूम ट्यूब एंड यूज़ द मैग्नेटिक ड्रम फॉर द मेमोरी दीज कंप्यूटर वर वेरी विक यानी कि यह या कंप्यूटर क्या था बहुत विक था मेन फीचर इसके क्या थे वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी था यानी कि ये या जो फर्स्ट कंप्यूटर जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था यह क्या था वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी थी सपोर्ट द मैकेनिकल लैंग्वेज ऑनली यानी कि मैकेनिकल लैंग्वेज के माध्यम से ये परफॉर्म करती थी वेरी कॉस्टली थी जनरेटेड लॉट ऑफ हीट यानी कि इसमें बहुत लॉट ऑफ हीट जनरेट किए जाते थे स्लो इनपुट एंड स्लो आउटपुट स्लो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस वेरी विग इन साइज कंज्यूम लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एग्जाम्पल कौन कौन से थे कौन कौन से कंप्यूटर बने थे इनियक इडवैक और यूनिवैक तो यह जनरेशन के कंप्यूटर वैक्यूम टेक्नोलॉजी से बने हुए थे बहुत लाल साइज में थे बहुत कॉस्टली थे बिग इन साइज बड़े से हॉल में रखे जाते थे और ये बहुत सारे लॉट ऑफ एनर्जी को ये लेते थे यानी कि लाइट को लेते थे और इनकी परफॉर्मेंस क्या थी स्लो थी तो फिर नेक्स्ट जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन माने इस डिवाइस में काफ़ी परिवर्तन किया गया है पहली बात है कि नेक्स्ट जो कंप्यूटर बनाया जाएगा वह साइज़ में छोटी होनी चाहिए हीट कम प्रोड्यूस करे एसिडी कम यूज़ करे इसकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाए तो नेक्स्ट जनरेशन को बनाया गया तो नेक्स्ट जनरेशन क्या है सेकेंड जनरेशन द टाइम पीरियड ऑफ सेकंड जनरेशन इन नाइनटीन फिफ्टी नाइन टू नाइनटीन सिक्सटी फाइव कंप्यूटर सेकेंड जनरेशन यूज द ट्रांजिस्टर यानी कि पहले में वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल किया गया था हम देखेंगे वैक्यूम ट्यूब बहुत बड़े साइज में होते थे सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया तो सेकेंड जनरेशन स्टार्टेड फ्रॉम द नाइनटीन फिफ्टी नाइन टू नाइनटीन सिक्सटी फाइव यूज द ट्रांजिस्टर इन द सेकेंड जनरेशन ठीक है ट्रांजिस्टर वर चीपर कंज्यूम लेस पावर मोर कॉम्पैक्ट इन द साइज यानी कि यह बहुत छोटा था कम पावर को लेता था ज़्यादा ये जनरेशन करता था ठीक है व फास्टर देन द दे फर्स्ट जनरेशन यानी कि ट्रांजिस्टर जो था वह पहले जनरेशन से क्या हुआ स्पीड के कंप्यूटर के को डेवलप कर दिया मेन फीचर क्या थे ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी था यानी कि पहले में क्या था वैक्यूम टेक्नोलॉजी थी अब की क्या है ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी है मैग्नेटिक कोर ये प्राइमरी मेमोरी इसमें प्रयोग किया गया इसमें मैग्नेटिक कोर लगाया गया यानी कि इसमें प्राइमरी मेमोरी भी बना ली गई और दूसरा है मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क यूज फॉर द सेकेंडरी मेमोरी यानी कि प्राइमरी मेमोरी जिससे कंप्यूटर रन करता है और सेकेंडरी मेमोरी जहाँ डेटा परमानेंट्री स्टोर होती है इसमें दोनों डेवलप सेकेंड जनरेशन में हो गया लैंग्वेज कौन सा यूज होता था असेंबली लैंग्वेज एंड हाई लेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ फॉट्रेट एंड कोबुल यूज इन द सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यानि कि सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज में फॉरट्रेट और कोगुल का प्रयोग किया गया दिस कम्प्यूटर यूज़ द बैच प्रोसेसिंग एंड द मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यानि कि ये जो सिस्टम बना ये मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम बना एग्जाम्पल कौन कौन थे आई बी एम वन सिक्स टू जीरो आई वी एम सेवन जीरो नाइन फोर और सी डी सी वन सिक्स जीरो फोर तो ये क्या है ये इसके मॉडल बने जो हम फिगर में देख सकते हैं नेक्स्ट इज द थर्ड जनरेशन थर्ड जनरेशन टाइम पीरियड इज दिन सेवेंटी वन यानी कि सेवनटी वन के बीच में जो कंप्यूटर यूज हुए दैट इज द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर थर्ड जनरेशन कंप्यूटर यूज द आईसीज आईसी माने इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि पहले में वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल हुआ था दूसरे में ट्रांजिस्टर यूज किया और तीसरे में आईसी यूज किया गया तो प्लेस ऑफ ट्रांजिस्टर यानी कि ट्रांजिस्टर की जगह किसका प्रयोग किया गया आईसी का प्रयोग कर गया द आईसी वाज़ द इन्वेंटेड बाय द जैक किल्बी यानी कि जैल किल्बी ने यानी कि इन्होंने क्या किया था आईसी को डेवलप किया था मेन फीचर ऑफ दिस कंप्यूटर इज द आईसी यूज्ड यानी कि यह कंप्यूटर आईसी यूज्ड हुआ स्मॉलेस्ट इन द साइज यानी कि सभी पहले दूसरे से तीसरा कंप्यूटर क्या था साइज में बहुत छोटा हो गया जनरेटेड लेसेस हीट यानी कि बहुत कम हीट ये प्रोड्यूस करता था फास्टर यानी कि तीनों कंप्यूटर से फास्ट था स्टिल कॉस्टली यानी कि एक नॉर्मली कॉस्टली था सपोर्टेड हाई लेवल लैंग्वेज लाइक बेसिक यानी कि बेसिक के आधार पर यह सिस्टम काम करना शुरू किए मेन कंप्यूटर्स के कौन कौन थे आई बी एम थ्री सिक्सटी सीरीज के थे हनी वेल सीरीज के थे और पी डी पी यानी कि पर्सनल डेटा प्रोसेसिंग वाले कंप्यूटर्स जनरेशन में आए नेक्स्ट इज द फोर्थ जनरेशन फोर टाइम पीरियड इज द नाइनटीन सेवेंटी वन टू एटी यानी कि 1971 से और 80 के बीच में जो कंप्यूटर बने उसे हम कह सकते हैं फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर यू द वी एल एस आई यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यानी कि माइक्रोचिप का उस समय प्रयोग होना शुरू हो गया तो मेन फीचर्स के देखेंगे वी एल एस आई टेक्नोलॉजी का प्रयोग फोर्थ जनरेशन में हुआ ये वेरी चीपर हुए यानी कि बहुत सस्ते हो गए पोर्टेबल इन द पोर्टेबल एंड रिलायबल और ये कंप्यूटर पोर्टेबल हो गए छोटे हो गए और रिलायबल माने विश्वसनीय हो गए वेरी स्मॉल इन साइज यानी कि इसकी साइज क्या हो गई बहुत छोटी हो गई वेरी स्मॉल इन साइज पाइपलाइन प्रोसेसिंग कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेट वॉज इंट्रोड्यूस यानि कि यह या जो है वो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर हुआ जहाँ पर रियल टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया ये चीपर हो गया पोर्टेबल हो गया रिलायबल हो गया साइज इसकी लेस देन हो गई पाइप प्रोसेसिंग का प्रयोग किया गया और कॉन्सेप्ट में इंटरनेट यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो गया इसके कौन कौन से मॉडल थे डेक टेन थे स्टार थाउजेंड था क्रे वन यानी कि इसमें सुपर कंप्यूटर को भी बना लिया गया तो 1971 टू तो 1980 के बीच में जो फोर्थ जनरेशन में कंप्यूटर में सुपर कंप्यूटर को भी बना लिया गया था पहला मॉडल नेक्स्ट इज द फिफ्थ जनरेशन टाइम पीरियड इज द 1980 टू टिल डेट यानी कि uh, 1980 से लेकर आज तक के बीच में जो भी कंप्यूटर बनाया गया है वो क्या है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर है दीज कंप्यूटर यूज़ द यू एल एस आई अल्ट्रा लार्ज स्केल इंट्रीगेशन एंड यूज़ द ए आई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट यानी कि दिस इज द जनरेशन ऑफ कोर आई जनरेशन वेयर वेयर यूज द ए आई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट ठीक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट दन मेन फीचर ऑफ कंप्यूटर यू एल एस आई टेक्नोलॉजी यानी कि जो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर हुए उसमें किसका प्रयोग किया गया यू एल एस आई टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया डेवलपमेंट इन द ट्रू आर्टिकल इंटेलिजेंस यानी कि ये एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट हुआ यानी कि यदि हम कह सकते हैं आटो परफॉर्मिंग ऑटो कैलकुलेटिंग ऑटो मेंटेनेंस यानी कि रोबोटिक टेक्नोलॉजी दैट इज़ द जनरेट इन द फिफ्थ जनरेशन यानी कि रोबोट टेक्नोलॉजी जो भी होती है ये किसके द्वारा किया जाता है या फिफ्थ जनरेशन के माध्यम से किया जाता है यहाँ कंप्यूटर जो है ह्यूमन की तरह स्मार्ट होते हैं वह सोच सकते हैं समझ सकते हैं सारे कार्यों को कर सकते हैं डेवलपिंड इन द नेचुरल लैंग्वेज यानी कि नेचुरल लैंग्वेज में ये सारे कार्यों को कर सकते हैं वेरी चीपर यानी कि रोबोट को हम देख लें तो रोबोट किसी भी भाषा में काम कर सकता है उसके मल्टी टैलेंट होता है मल्टी लैंग्वेज होता है मल्टी फंक्शन होती हैं मोर यूजर फ्रेंडली इंटरफेस विद द मल्टी मीडिया फीचर यानी कि मल्टी मीडिया फीचर को भी ये लेगा और इको फैमिली होगी आ, मतलब किसी से भी टाइप कर जाएगा वेरी पावरफुल होगा रोबोटिक्स होंगे इसके अंदर नेचुरल नेटवर्क होंगे गेमिंग प्लानिंग ये सारा इसके अंदर आ जाएगा ये किसके अंदर होगी फिफ्थ जनरेशन के अंदर मेन कंप्यूटर क्या है डेस्कटॉप हैं लैपटॉप हैं नोटबुक है अल्ट्रा बुक हैं और क्रोम बुक हैं दैट इज द जन फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर दिस कंप्यूटर इज द मोर स्मार्टर दैन ऑल जनरेशन यूज द ए आई टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट लाइक द रोबोट एंड मॉडर्न पीसीज नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द कंप्यूटर कंप्यूटर डिपेंड ऑन द पर्पज़ वर्क साइज एंड वेरियस टाइप यानी कि कंप्यूटर डिपेंड करता है कि उसका पर्पज क्या है उसका कार्य क्या है और कितने प्रकार का हो सकता है तो यहाँ पे देखेंगे टाइप ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन द साइज यानी कि साइज के अनुसार देखें तो कंप्यूटर इज द फोर टाइप फर्स्ट इज द माइक्रो कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर मेन कंप्यूटर एंड मेन कंप्यूटर तो फर्स्ट इज द माइक्रो कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर डेवलप ऑफ कंप्यूटर इज़ स्टार्टेड फ्रॉम द 1946 यानी कि 1946 में जो कंप्यूटर बने हुए थे ये कंप्यूटर जब डेवलप हुआ था 1946 में हुआ था माइक्रो प्रोसेसर वाज इन्वेंट इन 1970 यानी कि 1970 में माइक्रो प्रोसेसर डेवलप किया गया था बाय द इंटेल यानी कि इंटेल के माध्यम से पहला प्रोसेसर माइक्रोचिप 1970 में बनाया गया था द नेम ऑफ माइक्रो प्रोसेसर वाज इंटेल फोर जीरो जीरो फोर माइक्रो प्रोसेसर यूज़ इन कंप्यूटर दिस कंप्यूटर इज कॉल्ड माइक्रो कंप्यूटर यानी कि यदि हम इस चैप्टर की बात करें तो चैप्टर के अनुसार पहला जो प्रोसेसर बनाया गया था तो वह माइक्रो प्रोसेसर बनाया गया था और माइक्रो प्रोसेसर जिस कंप्यूटर में लगा और जिस कंप्यूटर में चला उस कंप्यूटर को हम क्या बोलते हैं माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं तो विस टेक्नोलॉजी एक्सेप्ट जो टेक्नोलॉजी को उसने एक्सेप्ट किया और जिस टेक्नोलॉजी से माध्यम से कंप्यूटर काम करता है उसे हम माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं तो माइक्रो चिप लगने से जो भी कंप्यूटर बने उस जनरेशन में 1946 टू 1970 के बीच में जो भी कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर के माध्यम से चले दैट इज द माइक्रो कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर इज अ सिंगल कंप्यूटर इन द नॉर्मल कंप्यूटर स्पीड एंड एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी इज द नॉर्मल यानी कि नॉर्मल यूज के लिए हम इसका प्रयोग करेंगे डीपली के लिए अगला वीडियो आप मेरा देख सकते हैं नेक्स्ट इज द these are based on the microprocessor technology these are the smaller size in the computer uh, size of the computer uh, computer uh, just like the desktop briefcase any yani laptop palm talk and uh, laptop palm talk desktop it, it is the all the pc any yani personal computer um, called microcomputer सेकेंड इज द मिनी कंप्यूटर दीज आर मीड इन साइज यानी कि इसकी साइज क्या थी माइक्रो साइज से थोड़ी सी बड़ी थी मिनी कंप्यूटर हैज मोर वर्क कैपेसिटी देन माइक्रो कंप्यूटर यानी कि माइक्रो कंप्यूटर से मिनी कंप्यूटर क्या था साइज में थोड़ा लार्जर था स्पीड इसकी क्या थी माइक्रो से तेज थी इसकी कैपेसिटी क्या थी माइक्रो से तेज थी माइक्रो कंप्यूटर सिंगल यूजर था ये मल्टी यूजर कंप्यूटर हुआ मिनी कंप्यूटर आर यूज़ इन द बैंक शेयर मार्केट एंड द सर्वर यानी कि इसकी कैपेसिटी इसकी पावर अधिक होने से क्या है यह शेयर मार्केट में सर्वर के रूप में और बैंक में यह बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में प्रयोग होना शुरू हुआ सो इट इज़ कॉल्ड द मिनी कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर सीपीयू पी इसका जो है पी डी पी द फर्स्ट मिनी कंप्यूटर साइज द पी डी पी द रेफ्रिजरेटर uh, यानी कि इस तरीके से इसमें काफ़ी रेफ्रिजरेटिंग किया गया इसको बढ़ाया गया और इसको डेवलप किया गया यानी कि माइक्रो कंप्यूटर नॉर्मल कंप्यूटर है मी uh, मिनी कंप्यूटर क्या है उससे स्पीड इसकी एक रेशी उसकी फास्ट है उसमें प्रोसेसर अधिक है उसके साइज़ अधिक है मोर पावरफुल है नेक्स्ट इज़ द मेन फ्रेम कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर इज़ द वेरी लार्जर देन मिनी माइक्रो यानी कि माइक्रो और मिनी से बड़ा साइज किसका है मेन फ्रेम कंप्यूटर का है और माइक्रो मिनी और मिनी uh, से जो फास्टर है यानी yani कि जो सबसे तेज है पावर जिसकी अधिक है उसका किसकी है मेन फ्रेम का है यानी कि मेन फ्रेम क्या है कि अपने में मिनी सुपर कंप्यूटर की तरह बिहेव करता है वेरी लार्ज स्टोरेज इन कैपेसिटी यानी कि इसकी साइज़ तो बड़ी है ही है साथ में स्टोरेज कैपेसिटी भी क्या है सबसे अधिक है मिनी प्रोसेसर इन वन टाइम यानी कि इसमें मिनी प्रोसेसर एक साथ लगे हुए हैं और मिनी प्रोसेसिंग को वन टाइम में ये अकेले ही कर सकता है कंप्यूटर आई यूज़ द कंपनी एंड एंड शेयर मार्केट एंड गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि यह या इतना पावरफुल है कि अकेले ही यह बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन को अकेले चला सकता है जैसे शेयर मार्केट हो गया गवर्नमेंट हो गया या बड़े बड़े प्राइवेट सेक्टर हो गए इनमें इनका प्रयोग किया जाता है जहाँ मल्टीपल यूजर के रूप में इस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है एग्जाम्पल ऑफ आई बी एम फोर थ्री एट वन आई सी आई द एग्ज़ाम्पल ऑफ मेन फेम कंप्यूटर यूज़ इन रेलवे एंड बैंक नेक्स्ट इज द सुपर कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर हैव द मोर स्पीड एंड वेरी लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी यानी कि हम बात करेंगे तो सुपर कंप्यूटर क्या है माइक्रो मिनी और मेन फ्रेम से भी लार्ज यानी कि साइज में भी बड़ा है कैपेसिटी में भी बड़ा है पावर में भी बड़ा है क्षमता में भी बड़ा है यानी कि हम बात करेंगे सुपर कंप्यूटर इज द वेरी लार्जेस्ट वेरी लार्ज एंड मोर पावरफुल कंप्यूटर ऑफ माइक्रो मिनी मेन फ्रेम एंड मेन फेम कंप्यूटर तो ये क्या है हैव मोर स्पीड वेरी लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी ऑल कैटेगरीज यानी कि ऑल कैटेगरी से काफ़ी तेज है दिस वर्क इन ऑर्डर ऑफ पैलर मल्टीपल सीपीयू यानी कि इसमें एक सीपीयू नहीं है बहुत सारे सीपीयू एक साथ लगाए गए हैं और दिस कंप्यूटर इज़ द वेरी कॉस्टली और ये बहुत कॉस्टली होता है यानी कि जब बहुत सारे रेसिपियो एक साथ लगे हैं तो इसकी कॉस्ट भी क्या होगी अधिक होगी सुपर कंप्यूटर यूज़ इन वेदर फोरकास्टिंग यानी कि इसका प्रयोग मौसम विभाग में किया जाता है साइंटिफिक शमुलेशन के लिए किया जाता है एनिमेशन एंड ग्राफिक एंड न्यूक्लियर रिसर्च के लिए प्रयोग किया जाता है परम एट इज द फर्स्ट इंडियन कंप्यूटर एंड परम Uh, दस हजार इज द वेरी पॉपुलर ऑफ इंडियन सुपर कंप्यूटर के क्रिएटू दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ सुपर कंप्यूटर इस प्रकार से इस चैप्टर को आप रिवाइज करेंगे पूरा पढ़ेंगे और इस वीडियो को बार बार देखेंगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ओके सी यू